अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। 15-16 साल से तो लगातार सिद्धू जी पर और उनकी फैमिली पर लोग भरोसा करके वोट देते आए, लेकिन बदले में, इस भरोसे के बदले में सिद्धू जी ने क्या दिया? केवल अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते रहे, हलके के लिए कभी नहीं लड़े, अपने हलके के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़े। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना, बड़ा नेता बनने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस लिए? जिस इलाके के लोगों ने आपको MLA बनाया है, अगर आप उनके इलाके की 90% गलियां और सड़कें नहीं बनवा पाए तो कैसे लेता है आप? जो लोग 16 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आप उनके इलाके में सैनिटेशन पे काम नहीं कर पाए, आप पार्टियां बदलते रहे, आप बयान बदलते रहे, आप अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन कभी अमृतसर ईस्ट के हलके के लोगों के लिए भी काम कर लिया होता? ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ, ये मैंने सुने हैं, लोगों से सुने हैं वहाँ के, कि जी वो सारी दुनिया में लड़ाई लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कभी कहते मैं अच्छा MLA भी बनना है, कभी कहते हैं अमृतसर ईस्ट के लोगों ने मुझे, मेरी वाइफ को MLA के लिए वोट डाले थे, MP के लिए भी वोट डाले थे, कभी सोचते हैं कि उनका भी नेता बनना है, बस मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मैं CM बनना है, CM बनना है, CM बनना है, इस चक्कर में भूल गए कि अमृतसर ईस्ट के लोगों में के लोग भी वोटर्स हैं, उन्होंने वोट दिया है। मैं हल्के में घूमा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 90% इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां नहीं है, सीवर तो भूल ही जाइए, बड़ी बड़ी चीज़ें। आश्चर्य हुआ मुझको कि अमृतसर में इतने बड़े नेता के इतने बोल सुनते रहते हैं, आप लोग TV पे खूब दिखाते हैं उनको, उसके नेता के हलके में सीवर तक नहीं है, उसके नेता के हलके में नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है, क्या किया है इन्होंने? मैं एक जगह गया तो वहां पे लोगों ने मुझे अपनी गलियां दिखाई, ये देखो हम बार बार जाते हैं इनके ऑफिस में, खुद तो सिद्धू साहब कभी मिलते नहीं, उनका कोई एक PA मिलता है, उसके पास, लोगों के पास फाइलें रखी हुई हैं, जी हम सड़कें बनवाने के लिए फाइलें देके आए, हम नालियां बनवाने के लिए देके आए, कुछ नहीं किया उन्होंने उस पर। फोकल पॉइंट के कुछ इंडस्ट्रीज मुझको मिले, ऐसे भी मिले जो अभी वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी मिले जो छोड़ गए, बोले जी सिद्धू साहब आए थे, हमें भी लगा कि एक वोकल नेता है, फोकल पॉइंट की कुछ बात करेगा, फोकल पॉइंट पर कुछ काम करेगा। उसके बाद वो मंत्री भी बने, जब मंत्री बने हमने तभी उनको कहा जी अब तो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर लो, इस फोकल पॉइंट की कुछ सड़कें करा दो, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, यहाँ का इंडस्ट्री के हालात खराब हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से, कुछ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। फोकल पॉइंट के लोग भी दुखी हैं, जैसा उन्होंने कहा, ये तो मैडम वहाँ के लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करती रही हैं। कई गलियों में मुझे लोग मिले जिनके परिवार में नशे का शिकार होकर लोग मर गए, नशे का शिकार हो गए लोग। सरकारी स्कूल, आप सब जानते हैं अमृतसर ईस्ट हलके के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि वो केंद्र में रह लिए, वो मतलब MP रह लिए, परिवार के लोग MLA रह लिए, खुद मिनिस्टर रह लिए, और कुछ नहीं करा होता तो कम से कम सरकारी स्कूल तो ठीक करा लेते हैं, सरकारी अस्पताल तो कोई बड़ा नहीं है पर कम से कम PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ठीक करा लेते वहाँ के, कोई कॉलेज खुलवा देते। सारे क्षेत्र का, सब्जी मंडी क्षेत्र में मैं हल्के में गया, वहां पे बहुत बुरा हाल है चारों तरफ। इस इलाके में गरीब आबादी बहुत है, लोग कह रहे हैं जी हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करवा देते, मंत्री रह के अपने हल्के के नौजवानों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतने लंबे समय से MLA MP रह के अगर आप अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? क्यों वोट दें लोग आपको? गरीब आबादी बहुत है उधर तो, और जैसा मैडम ने कहा वो मिलते तो है नहीं, लोगों से तो एक्सेस ही नहीं है उनका। अब मजीठिया साहब भी आ गए हैं, मजीठिया साहब का नेम फेम सब लोग जानते हैं, उनको 23 तारीख तक बेल मिली हुई है, उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, बस 23 तारीख तक उनके ऊपर उनके कोई कार्रवाई नहीं करने की का स्टे है एक तरह से।
तो इसके बाद उनको तो जेल में जाना है, तो वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, उनको क्यों वोट करें? ऐसे में जब पूरा अमृतसर ईस्ट हल्का, पूरे पंजाब में अब ये माहौल बना हुआ है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे के देखना है, केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को दे के देखना है, नई पार्टी बदलाव के लिए लोगों को एक मौका दे के देखना है, तो अमृतसर ईस्ट के लोगों को भी इस बदलाव में और मजबूत कड़ी के रूप में जीवनजोत कौर जी दिख रहे हैं, जो उनके बीच पिछले 25 साल से किसी पद पे ना रहते हुए, किसी पॉलिटिकल रेस में ना रहते हुए हमेशा लोगों के शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, नशा मुक्ति के लिए लोगों के लिए काम किया। A South Asian Canadian Channel.